जयपुर में जहां ट्रैफिक पुलिस नियम और कानून की बात करती है, वहीं ट्रैफिक पुलिस में तैनात कई पुलिस वालों को ही नियम और कानून के बारे में पता नहीं है। समाचार प्लस की टीम ने परीक्षा की बात कहकर जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से कुछ ट्रैफिक सिग्नल के अर्थ बताने को कहे तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कहा है कि हम तो कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी हैं, इन सभी सिग्नल्स के बारे में तो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को भी नहीं मालूम। ऐसी स्थिति केवल एक जगह नहीं थी, कई जगह पुलिसकर्मी सिग्नल का अर्थ पूछने पर बगले झांकते हुए नजर आए। आइए अब आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं हमारे संवाददाता ने, जब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से ट्रैफिक नियमों और सिग्नल्स की जानकारी लेनी चाहिए तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्हें टरकाते हुए नजर आए। जरा आप भी गौर से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हल्का हल्का बता दो ना, मुझे तो काम हो जाए मेरा। आप ऐसे करो, ये कंट्रोल रूम है ना, वहाँ जाके पूछ लो, शिक्षा विभाग में पूरा बता देंगे आपको। काम मतलब काम पता लगेगा, मतलब कोई अभी तो नॉर्मल तो पता है, बाकी जो अलग अलग ऐसे बनाए हुए हैं वो नहीं पता। इतने पॉइंट तो हमको भी नहीं समझा, जितने इन्होंने दिए ना तो हमको भी नहीं बताए। मतलब कोई नहीं, वही पूछ लेता हूँ फिर। और 90% नहीं बता सकते कोई भी पुलिस वाला, इंस्पेक्टर नहीं बता सकता पुलिस वाला। तो ये कई कई चीजें ऐसी है, ये देखो ये रहा, ये बाहर है, कहाँ पता होंगे, मतलब पूरा कोई बता सके। मतलब यार इसका तो आप इधर जाओ, या तो सर्कल पे या आगे वाले सेंट एरिया से है ना वो क्लब, उसके मामा थांदा जी मिल जाए तो उनके पास में पूरी किताब, उनके पास में बुकलेट रहे थी पूरी, सारा सिस्टम बोल लेकर रहता है। और मेरे पास में भी है हिंदी की, पर यहाँ नहीं है, घर रखे हैं वो, चार बात पढ़ने आते हैं, हमने सारी पूरी हिंदी दे रखी है सब। कितना सिखाते हुए यार मालिक आप लोग, हमारे तक काम छोड़ पता नहीं। अच्छा ये तो उनका सिस्टम है रोकने का, यू टर्न का, बस वन वे का, टू वे का, यहाँ से करो, यहाँ से कहीं ना जाओ, सीधे हमारे कंट्रोल रूम से जाओ, वो बता दें। सीएम राजे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में जहां छह विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई, वहीं बैठक में निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए 5 लोगों का समूह बनाया गया। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी यहां पर आए और हाईवे और सड़कों पर होने वाले खर्चे को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने की बात कही। साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर बॉर्डर इलाके में 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 2 लेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और तनोट माता के मंदिर तक भी अच्छी सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा ये भी जानकारी दी कि जिन फ्लाईओवर का शिलान्यास पिछले साल गडकरी ने किया था उनका काम भी शुरू हो गया है। एकरूपता नहीं रहती। 13 दिसंबर 2014 को 9 प्रोजेक्ट लगभग 3900 करोड़ रुपए के उन्होंने उसमें शिलान्यास किए थे। उन 9 के 9 प्रोजेक्ट का काम राजस्थान में शुरू हो गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए उन्होंने भी कल माननीय मंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया, जब कल वो आपसे रूबरू हो रहे थे जब 5,000 करोड़ की बात थी, लेकिन जोधपुर पहुंचते पहुंचते माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद में और उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके लगभग राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए नई जो है स्वीकृतियां उन्होंने और देने की बात कही है, जो कि मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में किसी भी की सरकार रही हो इतनी बड़ी सौगात किसी भी मंत्री ने या किसी भी सरकार ने एक साथ नहीं दी। ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ा जो हमारा बॉर्डर एरिया है राजस्थान में, वो लगभग पाकिस्तान के साथ हमारा 1100 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया, उस बॉर्डर एरिया में मैं आपको ये सूची दे रहा हूं, इसमें उन्होंने लगभग ये 1423 किलोमीटर सड़कें उन्होंने भारतमाला प्रोग्राम में एक नया लेकर के आए हैं, उसमें बॉर्डर के पास में सारी रोड्स 2 लेन होंगी। इस अकेले पर जो है लगभग आप ये मान के चलिए कि 4,500 करोड़ रुपए इस अकेले पर वो खर्च करेंगे, गंगानगर से लेकर के जैसलमेर बाड़मेर तक, जिसमें तनोट का जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है वो जगह भी है, जहाँ पोखरण में मतलब बम वो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करवाया वो जगह भी है, यानी बॉर्डर का पूरा जितना सामरिक दृष्टि से जो क्षेत्र है वो सारा शामिल है।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नियमित तौर पर जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी है। मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान जोधपुर से आए दृष्टिहीन शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। दृष्टिहीन शिक्षकों की वेदना थी कि वो ग्रामीण स्वेच्छा सेवा 2010 में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें मानवीय आधार शहरी इलाकों में उनका तबादला किया जाए। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मानवीय आधार को देखते हुए तबादले कर शिक्षकों की परेशानियां दूर करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर से कोटपुतली तक का दौरा कर NH-8 का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस राजमार्ग के निर्माण को एक साल में पूरा करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने NH-8 का जायजा लेते हुए वो शाहपुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कंपनी के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। शाहपुरा में केंद्रीय मंत्री से लोगों ने मिलकर पिलरों पर पुलिया निर्माण की मांग की। राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली से जयपुर जाता है, एक तो ऐसे लोगों के लिए है जो गाड़ियों से इसके ऊपर जाते हैं, दूसरा ये ऐसे लोगों के लिए भी है जो इसके आसपास बसते हैं। अब पिछली सरकार ने जो भी इसमें करा या नहीं करा, ये तैयार 2009 में होना था या नहीं होना था, उसको हम एक तरफ छोड़कर हमें आज फोकस करना है कि इस पे जो गांव और शहर बसते हैं उन लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं इस हाईवे से। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने श्रीगंगानगर में जिला सतर्कता समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत पैसा लेकर मकान न बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नरेगा योजना के श्रमिकों को खाते खुलवाने में आ रही दिक्कतों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग से मिली राशि से पंचायती राज के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। अंदर जो नए खाते खुलवाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं और मुझे जब इस मीटिंग में मैं आया तो मैंने आने से पहले भी मैंने व्यूरचना की थी और अभी मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो CC टाइम पे जारी करें, UC टाइम पे जारी करें। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावरलाल जाट ने अजमेर के बीके कॉल नगर में आधुनिक उपडाक घर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डाक सुविधाओं को आधुनिक बनाने की बेहद जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार गांव-गांव तक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों को आधुनिक बना रही है। सावरलाल जाट ने कहा कि आधुनिक डाकघरों में आम आदमी के लिए ATM, ई पोस्ट, ई पेमेंट, पेंशन अकाउंट, कोर बैंकिंग और मनी ट्रांजेक्शन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से डाक प्रशिक्षण केंद्र के लिए जल्द ही जमीन भी दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद सावरलाल जाट ने कहा कि देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने का काम इसी साल शुरू किया जाएगा। जयपुर में आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, अब सरस दूध पर सवाल उठे हैं। सरस दूध के पैकेट में कॉकरोच निकला है, शिकायत के बाद डेयरी पर कार्रवाई नहीं की गई है तो जयपुर डेयरी के उत्पादों पर सवाल उठने लगे हैं। जयपुर डेयरी के दूध के पैकेट में कॉकरोच का मामला सामने आया है। क्विंस रोड इलाके में रहने वाले दिनेश सोनी का आरोप है कि उन्होंने डेयरी बूथ से सरस दूध खरीदा था जिसे खोलने पर उसमें कॉकरोच मिला है। दिनेश ने मामले की शिकायत डेयरी के कस्टमर केयर नंबर पर की लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। सरस दूध की थैली है, ये मैंने बूथ नंबर 1218 क्विंस रोड मोतीनगर वैशाली से परचेज की थी। इसमें कॉकरोच है, मैंने इस पर जो कस्टमर सहायता नंबर है इस पर फोन किया। फोन करने के बाद उन्हें बताया कि सर आपकी दूध की थैली में कॉकरोच है, तो उनका कहना ये था कि आप इसे रिप्लेस करवा लीजिए, इसके बदले 4-5 थैली दूध ले लीजिए। डीडवाना तहसील के मौलासर थाने की बड़रवा पुलिस चौकी में एक दलित महिला से पुलिस के सिपाही सहित दो लोगों द्वारा दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बड़रवा गांव के सैकड़ों ग्रामीण पीड़िता को लेकर SDM कार्यालय पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद SDM छगन लाल गोयल ने पुलिस को मामला दर्ज करने की बात कही है। आरोप है कि जब पीड़िता अपने घर में अकेली सो रही थी तभी दो सिपाही उसे डरा धमका कर थाने ले आए, जहां उन्होंने बारी बारी से महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें जो ज्ञापन दिया है और विक्टिम है वो भी आई है और उसकी ज्ञापन ले लिया गया और इस प्रकार से कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करे और जो नियमानुसार कार्रवाई के लिए रजिस्टर कर दिया गया। इसमें बात करेंगे और उसमें जो भी
पर्यटन स्थल माउंट आबू घूमने आई गुजरात की एक युवती ने एक होटल के संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि होटल के संचालक ने उसे पैसे देकर नग्न डांस करने को विवश किया। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मामला माउंट आबू के पूर्णिमा रेस्टोरेंट का है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवाड़ी में बदमाशों ने बीती रात एक महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में छोड़कर फरार हो गया। मामला कोट कासिम के मसवासी गांव की है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपने साथ महिला को थाने ले आई। पूछताछ में पीड़ित महिला ने आप बीती सुनाई। पीड़िता के मुताबिक कोलकाता में उसके पति का इलाज चल रहा है। पति के लिए जब वो खाने लेने बाहर गई तो पानी में नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिल्ली ले जाया गया। वहां बदमाशों ने जबरन शादी करने का उसके साथ दबाव बनाया। इनकार करने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने जब महिला से मेडिकल जांच कराने को कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिससे महिला भी संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के प्रिंस स्कूल में पिछले 10 दिनों में 2 छात्रों के खुदकुशी के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वहीं बीजेपी के सांसद नारायण लाल पंचारिया ने भी घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच करवाकर दोषियों को दंडित करवाने की बात कही है। बच्चों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों की जान से हाथ धोए हैं, उनके परिजनों से पूरी रिपोर्ट लिखवाकर इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूल्स में अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, जो आरोप लगाए हैं अगर वो सही हैं, तो सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना घटित हुई है। हम चाहेंगे कि इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और संबंधित दोषी व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसको दंडित, कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए। जोधपुर सीबीआई की टीम ने नौकरी का झांसा देकर युवक युवतियों को ठगने वाले फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी एक युवती को सीबीआई में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त कराने के लिए 16,000 रूपए ठग लिए। पीड़ित लड़की की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने लड़की की डॉक्यूमेंट देने के बहाने उसे बुलाया और उसे धर दबोचा। आरोपी अपने शिकारों को सीबीआई के हूबहू अपॉइंटमेंट लेटर छपवा कर देता था। इसी तरह उसने खुद के सीनियर सीबीआई इंस्पेक्टर के विजिटिंग कार्ड भी छपवाए हुए थे। रायसिंह नगर के सागरवाला में 6 जून को जमीनी विवाद में एक लड़की को केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की गई। लड़की को उसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है, लेकिन परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। श्रीगंगानगर में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बेमियादी पड़ाव पर बैठी महिला की मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने पर पड़ाव पर बैठे बाकी लोगों ने शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। लोगों की मांग है कि जब तक मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। श्रीगंगानगर यूआईटी के बाहर पिछले 1.5 साल से कुछ झोपड़ियां डालकर पड़ाव लगाए गए हैं। इन लोगों की मांग है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी दरों पर मकान दिया जाए। नागौर जिले में एक बार फिर हैवानियत सामने आई है। बेड़ता रोड थाने के खेरली रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बंधा मिला। बताया जा रहा है कि युवक से पहले मारपीट की गई, उसके बाद हत्या कर उसे रेलवे ट्रैक पर बांध दिया गया। युवक का शव मिलने की सूचना जीआरपी और स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृत युवक की शिनाख्त चितावा थाने के इंडौली गांव के अजय शहारन के रूप में हुई है। पुलिस पहुंची, एसएचओ मेटरा, मैं भी आ गया और ये बॉडी अजय सहारन सन ऑफ गासीराम निवासी चितावा के नाम से आइडेंटिफाई हुई है। इंडाली गांव का रहने वाला है चितावा का, और इसकी बॉडी को वहां से हमने मोर्चरी में रखा दिया। इसके परिजनों से कांटेक्ट हो गया, परिजन आ रहे हैं। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी थाना इलाके के धमोरा गांव से रिश्तों को तार तार करने वाली खबर आई है। 20 बीघा जमीन के कारण एक इकलौते बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस की भी उदासीनता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि घटना से कुछ घंटे पहले ही मृतक की पत्नी ने पुलिस को लिखित में शिकायत
कर हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन रात होने के कारण पुलिस ने सुबह मामले की जांच करने और आरोपी बेटे से पूछताछ करने की बात कहकर टरका दिया। बताया जा रहा है कि धमोरा गांव के रहने वाले विनोद और उसकी पत्नी ने अपने पिता की यानी नारायण राव पर दबाव बनाया था कि 20 बीघा जमीन विनोद और उसकी पत्नी के नाम कर दे। करीब 15 दिन से विवाद ज्यादा गहरा गया और अंत में बेटे और बहू ने मिलकर उस शख्स की हत्या कर दी, यानी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। थाना गुड़ा गोड़ जी में कल रात्रि को लड़ाई करके मार दिया, इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है। मौके पर पुलिस जा करके मुझे कार्रवाई की है, पोस्टमार्टम बोर्ड से किया जा रहा है और बेटा आरोपी है उसको पकड़ने के लिए उसकी टीमें भेजी हुई है। भीलवाड़ा में अपने बेटों से परेशान होकर एक पिता कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गया, साथ ही आत्महत्या की चेतावनी देते हुए अपने ही बेटों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि उसके दोनों बेटे उसके साथ मारपीट करते हैं और अब उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इंसाफ न मिलने पर पीड़ित ने आत्महत्या करने की अब धमकी दी है। तीन आदमी, दो तो मेरे बेटे और एक दूसरा शहराम खाती एसपी को कलेक्टर को कहता है यो तो हमारा कलेक्टर यो यो एसपी। आपके बेटे क्या करते हैं? आपके बेटे क्या करते हैं? ऐसा ही है पुलिस में और मैं खुद सब इंस्पेक्टर था अनपढ़। मैं मेरे को कह रहे पागल, मुझे 6 महीने हो गए अनखाए। नागौर में जमीन विवाद के चलते दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। हमले में 11 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बलाया गांव की है जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो नौबत मारपीट तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। एक बस में 6 आदमी, एक में 5 है। बाढ़ की विवाद को लेकर इनके विवाद हुआ था और आपस में इनकी लड़ाई, पूर्व में ऐसा कोई इनकी लड़ाई की सामने आई नहीं थी। अभी अचानक इनकी लड़ाई हुई। हम एक मजरूब, जो एक पार्टी मजरूब है, उनको मुंडवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, दूसरी को यहाँ नागौर लेके आए। अभी कार्रवाई कर रहे हैं सर, आगे की कार्रवाई। 3 रेफर भी हो गए बताएं। हाँ सर, जोधपुर रेफर किए 3 इंजर्ड। जलवाड़ में नकली नोट मामले में फरार चल रहे आरोपी भोजराज की अस्पताल में मौत हो गई। भोजराज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहर खा लिया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़नगर के रहने वाले भोजराज पर 20 लाख के नकली नोटों की तस्करी का आरोप था। बीते 11 जून को उसके साथियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि भोजराज की तलाश जारी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने 4 दिन पहले जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। जयपुर के ब्रह्मपुरी पुलिस ने गुजर घाटी बस्ती में दबिश देकर 12 श्रमिकों को मुक्त कराया है, जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है। मुक्त कराए गए 12 श्रमिकों से चूड़ी के कारखाने में काम कराया जा रहा था। बच्चों से एक दिन में 16 घंटे तक काम कराया जाता था, सिर्फ एक ही वक्त का खाना दिया जाता था। मुक्त कराए गए बच्चे पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो बच्चों को बंगाल से जयपुर लाया था। आरोपी से पुलिस अब पूछताछ में जुट गई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुजर घाटी में आज गुप्त सूचना के ऊपर कार्रवाई की गई, जहाँ पे एक कारखाने के अंदर एक व्यक्ति है, वो कुछ बच्चों के साथ में आरीदारी का काम करा रहा था, जिसमें कुल 12 बच्चे थे, जिसमें से 5 बच्चे नाबालिग पाए गए हैं, जिनको मुक्त कराया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। जो वो काम कराने वाला भी पश्चिम बंगाल का है, समापदो नाम है उसका, और ये बच्चे भी पश्चिम बंगाल के रहते हैं। धौलपुर जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ होकर फरार हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह रही है। चोरी का ताजा मामला सदर थाना इलाके के पुरानी छावनी का है, जहां चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में एक पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, साथ ही उसे धमकी भी दे रहे हैं। महिला ने कई बार आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पूरे मामले में जब कलेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। कब्जा कर लिया 3 बार 4 बार रिपोर्ट दे चुकी, कोई नहीं सुन रहा मेरा।
तो थाने में रिपोर्ट देने जाते हो तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले धमका था मेरे को। अलवर में झिरी और मल्लाना खान बंद होने से मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दरअसल जिले में करीब 5000 मूर्तिकार हैं जो व्हाइट स्टोन से मूर्तियां बनाते थे, लेकिन खान बंद होने से इन्हें व्हाइट स्टोन नहीं मिल पा रही है। साथ ही अवैध स्टोन खरीदने पर मूर्तिकारों को कई गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब जिले के इन मूर्तिकारों को परिवार को पालन पोषण करने में काफी परेशानी आ रही है। और पहले जो भाव 5-7 रुपए टन का आता था, अब पत्थर 5-6 हजार रुपए टन में, वो भी कोई मिल जाए तो, नहीं तो वो भी दुर्लभ खरीदना, वहाँ भी 5000 के 10000 मांग ले, कुछ भी मांग ले। इटावा के खातौली में रसद विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मई 2014 में रसद विभाग ने खातौली कस्बे से 73 क्विंटल 40 किलो गेहूं जब्त किया और उसे स्थानीय राशन डीलर के यहां रखवा दिया, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने उस गेहूं की कोई सुध नहीं ली, लिहाजा सारा गेहूं खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। डीलर ने कई बार रसद विभाग और कलेक्ट्रेट को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया।